एस डी टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि T20 मैच पहले किस मुल्क ने खेला और कैसे ये वजूद में आया है। तो बिन सन एंड हेजेस टूर्नामेंट जब 2002 में खत्म हुआ, अब इस टूर्नामेंट की जगह को भी पूरा करना था जिससे लोग एंटरटेन भी हो जाए और नए टैलेंट भी बाहर आ जाए। ये वो वक्त था जब दुनिया में क्रिकेट एंड स्पॉन्सरशिप भी कम थी, मगर दुनिया में क्रिकेट शायकीन को तेजी से पैदा करने थे। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 20 ओवर्स मैच मुतारिब करवाए जिसके हक में 2001 में आउट हुए। एक तरफ 7 और दूसरी तरफ 11 आउट डाले गए और पहले बाजाबता T20 मैच 13 जून 2002 को इंग्लिश और काउंटीज के दरमियान खेला गया। इंग्लैंड में T20 का पहला सीजन निस्बतन कामयाब रहा। इस सीजन का फाइनल सूर्वी लाइन और वार विक्शर के दरमियान खेला गया जिसमें सूर्वी लाइन ने वार विक्शर को 9 विकेट से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इसके बाद T20 मैच को मकबूलियत मिल गई। दोबारा 15 जुलाई 2004 को मिडिलसेक्स और सूर्वी के दरमियान होने वाले पहले T20 मैच में 27,509 लोग की हुजूम अपनी तरफ मुतवज्जी किया, जो कि 1953 वनडे पैनल के बाद सबसे ज्यादा बड़ा हाजिरा रहा। इसके बाद दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स ने भी T20 मैच के फॉर्मेट को अपनाया, जैसे कि पाकिस्तान के फैसल बैंक T20 वर्ल्ड कप और दूसरी T20 मैचेस जैसे इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं जिसमें 16 टीम ने हिस्सा लिया है। इसी तरह T20 मैचेस दुनिया में मुतारिफ हुए और वनडे से ज्यादा T20 को मकबूलियत मिली। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपने और अपने प्यारों का ख्याल करें और हमारी आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिए।